बजरंग सेना ने मुख्यमंत्री से गौ माता की सुरक्षा की मांग की। बरेली में सड़कों पर घूम रही गौ माता को सड़कों पर टक्कर लग जाने के कारण घायल हो जाती है। उनकी सुरक्षा को लेकर बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने राहुल त्रिवेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र ADMFR को दिया। राहुल त्रिवेदी, कुसुम लता शर्मा उर्फ रानी, अनुज पंडित, संजय शर्मा, कुलदीप सिंह, अरुण शर्मा, मोहनी शर्मा, बिक्की कुर्मी आदि मौजूद रहे। गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, गौ माता पर अत्याचार नहीं करेंगे। मेरा नाम राहुल त्रिवेदी है और बजरंग सेना का राष्ट्रीय संचेतक हूं और राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हूं और जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूं। मांग मेरी यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर गौ माता की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर हजारों की तादाद में गौ माता घूम रही है, मगर यहाँ के अधिकारी कागजों में तो शासन को लिखकर भेज देते हैं कि गौ माता गौशालाओं में सुरक्षित हैं, मगर गौशाला में गौ माता सुरक्षित नहीं है। गौ माता की आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अदर समुदाय के लोग गौ माता की हत्या कर रहे हैं, मगर हम बजरंग सेना के कार्यकर्ता हमारे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक हफ्ते के अंदर अगर गौ माता का इंतजाम नहीं किया गया तो अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम के अध्यक्ष और चेयरमैन जिला पंचायत नगर पंचायत के और क्षेत्र पंचायत के, इन सबका घेराव होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। और सरकारी जो गौशाला हैं इन पे भी हमारी बजरंग सेना की टीम जाके छापे मारेगी, क्योंकि हम गौ माता पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गौ माता पे अत्याचार सनातन धर्म पे अत्याचार है। एक इसलिए ज्ञापन दे रहा हूँ, एक ज्ञापन में देने आया हूँ, कहना चाहता हूँ तौकीर रजा मौलाना से, आपने जो कहा था कि हिंदूवादी संगठन ये आतंकवादी संगठन है, तौकीर रजा ये हिंदूवादी संगठन आतंकवादी संगठन नहीं है, हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हम DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, DM साहब नहीं हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट को हम ज्ञापन देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, आप 1000 नहीं 1,00,000 मुकदमे लिखवा दो हम लोगों पे, हम मुकदमे झेलने को तैयार हैं, मगर अपनी गौ माता पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े।